सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डबल टू चार्ज। और दोस्तों, मैं अनिल आपका दोस्त, और आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं लेके आया हूँ दिल्ली के टॉप 5 पार्क्स फॉर बेस्ट फॉर कपल्स इन 2022, और मस्त आने वाला इस वीडियो में दोस्तों, देखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो दोस्तों, नंबर 5 पे है लोधी गार्डन, और ये 90 एकड़ में फैला एक बहुत ही प्यारा गार्डन है, बहुत खूबसूरत गार्डन है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें दोस्तों, ये है जोरबा। आप वहाँ से वॉक करके भी गार्डन तक जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। पार्किंग बहुत अच्छी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जहाँ तक इसके एंट्री फीस की बात करें पार्क की, दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है ऑफ कॉस्ट है। और इसका टाइमिंग बता दूँ, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आप इस पार्क में घूम सकते हैं। और ये कपल के लिए बेस्ट पार्क है, और इसमें फैमिलीज भी आती हैं। संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो अगर कपल जा रहे हैं तो संडे अवॉइड कीजिएगा। बाकी ये पार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट देखने मिलेंगे। एक छोटी प्यारी झील भी देखने मिलेगी, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क में आपको कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप जब भी आते हैं तो अपने साथ घर से खाना पानी घर से लेके आएँ, और आपको गेट पर भी कुछ मिल जाएगा, चिप्स वगैरह। तो उस पार्क में बहुत ही डिसेंट क्राउड आता है, बहुत से लोग आपको सिंगिंग करते जाएंगे और पिकनिक बनाते नज़र आ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इसको नंबर 5 पर रखा है। दोस्तों, नंबर 4 पे है आपका हॉजकास विलेज, जो कि बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, और बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पे आते हैं, इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक हॉजकास फोर्ट, जिसकी एंट्री टिकट लगभग 20 रुपीज़ है। और एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक झील देखने मिलेगी, साथ में देखने मिलेगा एक बहुत खूबसूरत पार्क, साथ में एक डियर पार्क भी है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और जहाँ तक से लोकेशन बात करें दोस्तों, तो ये हॉजकास में, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आई टिकट और हॉजकास से आप ऑटो या रिक्शा करके आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक से बढ़कर एक शॉप मिल जाएंगे, बुटीक्स मिल जाएंगे, आपको टैटू शॉप मिल जाएंगे। और अगर आप नाइट में आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक बार और पब्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और नाइट तो यहाँ पे एक नंबर होता है, अगर नाइट में आते हैं तो फ्रेंड सर्कल साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इस वजह से मैंने इसको नंबर पे 4 पे रखा है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है आपका फेवरेट पुराना किला, और ये है प्रकृति उद्यान में, जू के साथ में लगा हुआ है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ से ऑटो या बस करके भी आ सकते हैं, आप अपने कन्वेंस से आ सकते हैं। अच्छी खासी पार्किंग है, और 25 रुपये लगेगी पार्किंग के। दोस्तों, पुराने किले में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो होगी होगी 20 रुपये की टिकट, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं। और म्यूज़ियम बहुत छोटा सा है, तो आप मैं कहूँगा आप ना ही ले टिकट उसकी, तो अच्छा रहेगा। ये बहुत बड़े एरिया में है पुराना किला, और कपल्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जगह मिलेगी, यहाँ पर कपल्स बैठे नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स साथ आते हैं तब भी एक जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और ये जगह सिर्फ और सिर्फ कपल के लिए है। और हाँ, यहाँ पे खाना पीना मना है, तो खाना पीना ना लाएं, अगर लाते हैं तो भारी खा लें। और बहुत बड़े एरिया में है, और काफ़ी कुछ है, और कपल के लिए तो बेस्ट प्लेस है। तो ये था आपका नंबर 3 पे। तो नंबर 2 पे है आपका अपना ओगला बर्ड सेंचुरी। दोस्तों, ओगला बर्ड सेंचुरी जो है वो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे है, और नोएडा में पड़ता है। और जहाँ तक इसकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ओगला बर्ड सेंचुरी है। और अगर आप अपने कन्वेंस से आते हैं तो पार्किंग का थोड़ा इशू है, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ओगला बर्ड सेंचुरी के पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी एंट्री टिकट की बात करें तो दोस्तों, इसकी एंट्री टिकट है लगभग 30 रुपये की, और टाइमिंग मैंने ऑलरेडी दिखा दी है वीडियो में।
तो आप देख लीजिएगा। और अंदर एक आपको छोटी सी कैंटीन दिख जाएगी, इसमें आपको चाय स्नैक्स मिल जाएंगे। और ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल है, और अगर आप नेचर लवर हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, और अगर सिर्फ लवर हैं तो आप साल के पूरे महीने आप विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप बर्ड लवर हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के महीने में इसको विज़िट कर सकते हैं। दूसरी जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल और बड़ा है और ऑल डेज ओपन होता है। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों नंबर वन पर है आप सबका फेवरेट गार्डन फाइव सेंसेस, और ये क्यों फेवरेट है वो तो आपको पता भी होगा। और ये है साकेत पे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का साकेत ही है, और ये है टिकट काउंटर, और टिकट यहाँ 35 रुपीज़ पर पर्सन है, और ये है इसका मेन एंट्रेंस, और अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस जो कि साकेत में है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपल्स के बीच में। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कपल पार्क है, फैमिली बहुत कम आती है। अगर परसेंटेज में बोलूँ तो 80% 85% जो है यहाँ कपल्स आते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, और यहाँ पे हर जगह पे आपको कपल ही कपल नज़र आएंगे। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों ये कि यहाँ पे ना सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है कपल्स का, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे कपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और जहाँ तक कैंटीन बात करें दोस्तों, अंदर कैंटीन नहीं मिलेगी, और पार्किंग बहुत अच्छी है, पार्किंग 20 रुपीज़ है, और इसके अलावा आप ऑटो करके भी आ सकते हैं मेट्रो साकेत मेट्रो स्टेशन से। और ये जगह अगर आप कपल एज ए कपल जा रहे हैं तो आँख मूंदे चले जाइए, बहुत ही सही जगह है एज ए कपल, और इसी वजह से मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। तो दोस्तों ये थे दिल्ली के टॉप 5 कपल पार्क। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।